सब्जेक्टिव शीट नंबर 57 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, एसी सोर्स ऑफ 100 वोल्ट आरएमएस, तो क्या आगे बना है, ई आरएमएस, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्स, कनेक्टेड अक्रॉस आर की वैल्यू कितने गिवन है 20 ओम, और एल की वैल्यू कितने गिवन है 2×10⁻³ हेनरी। कैलकुलेट इम्पीडेंस, बोलो कौन सा सर्किट है, आरएल सर्किट है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा क्या होगा 2π × फ्रीक्वेंसी, आर पता है, एल पता है, ओमेगा पता है, सॉल्व करके क्या जाएगा जेड, तो एक आंसर आ गया इम्पीडेंस का। नेक्स्ट क्या निकालना है, आरएमएस करंट, तो जो आरएमएस करंट होगा वो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएस डिवाइडेड बाय क्या होगा जेड, तो ई आरएमएस को जेड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा आई आरएमएस आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, करंट ऑफ 11 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कॉइल व्हेन कनेक्टेड टू 100 वोल्ट डीसी। तो मैंने क्या सिखाया था, अगर मैं इस वोल्ट को 11 एम्पियर से डिवाइड कर दूं तो बोलो क्या आएगी रेजिस्टेंस आर आएगा, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया आर की वैल्यू आ गई। व्हेन 110 वोल्ट ऑफ एसी, तो इसका मतलब क्या आ गया मैंने ई आरएमएस, कितना 110 वोल्ट, 50 हर्ट्स इज अप्लाइड, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्स है। ओनली 0.5 एम्पियर करंट, यानी कि क्या गिवन है आई आरएमएस 0.5। अब बताओ ई आरएमएस को आई आरएमएस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इंपीडेंस जेड आएगा, ये सिखाया था ना कि अगर आप एसी की वैल्यू को डिवाइड करेंगे ई और आई को तो इंपीडेंस, और डीसी को डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस। क्लियर है यहां तक। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है रेजिस्टेंस एक आंसर, फिर क्या निकालनी है इंपीडेंस सेकंड आंसर, फिर क्या निकालना है इंडक्टेंस एल निकालना है। अब क्योंकि आप जेड और आर तो निकाल ही चुके हो, जेड होगा क्या, जेड होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपको जेड पता है, क्योंकि आपको आर पता है, क्योंकि आप इस आपको इसमें ओमेगा पता है, यहां से सॉल्व करके क्या जाएगा एल आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एन आर्क टेक्स अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 80 वोल्ट, फाइंड इंडक्टेंस व्हिच शुड बी पुट इन सीरीज टू वर्क आर फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। पता लग रहा है कि ये पहले किसकी बात कर रहे हैं डीसी की, तो 80 को ये डिवाइड करेगा 10 के साथ तो किसकी वैल्यू आएगी आर, 8 ओम की रेजिस्टेंस है, इसके बाद इस 8 ओम की रेजिस्टेंस के साथ वो कह रहे हैं इंडक्टर लगा दो किसमें सीरीज में विद अ सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स। तो आपको फ्रीक्वेंसी पता है, आपको इसमें ई आरएमएस पता है, क्या निकालना है आपको इंडक्टेंस एल निकालना है, आर आप निकाल चुके हैं, ठीक, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो यहां से क्या करेंगे ई आरएमएस, तो जेड का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर,
ओमेगा पता है, आर पता है, अगर जेड निकाल दें आंसर आ जाएगा। अब जेड कैसे निकलेगा इसमें? ओके एक काम करेंगे, क्योंकि 10 एम्पियर का करंट था पहले और सीरीज में करंट अभी भी क्या रहेगा, 10 एम्पियर ही रहेगा, तो आई आर एम एस एसी में भी क्या रखना है, 10 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में है। तो अब क्योंकि ई आर एम एस की वैल्यू हमें पता है 220 वोल्ट है, आई आर एम एस इसमें 10 एम्पियर ही लिया जाएगा। तो अगर मैं ई आर एम एस को आई आर एम एस से डिवाइड करूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी ई आर एम एस आई आर एम एस, तो जेड आ गया, आर पता है, एल आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर ये रहा सेवेंथ। देखो क्वेश्चन है, करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन एलआर सर्किट। तो 2 एम्पियर का मतलब ये क्या है, आई आर एम एस, आई आर एम एस कितना है, 2 एम्पियर है। फाइंड वोल्टेज अक्रॉस एसी सोर्स, तो आपको वोल्टेज निकालनी है, इसका मतलब वी आर एम एस निकालना है, एंड इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। देखो आपको इस क्वेश्चन के अंदर इम्पिडेंस की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी गिवन है इसमें, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं, इंपिडेंस कैसे आएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। अच्छा इसमें वी गिवन है, ओके तो इसके अंदर आपको ये वी की वैल्यू गिवन है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें ये वी गिवन है तो नेट वोल्टेज निकाल लेते हैं। नेट वी की वैल्यू क्या आएगी, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, ऐसे होगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। तो नेट वी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 240 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, तो वी नेट आ जाएगा। ठीक है यहां तक। ये जो वी नेट होगा ये क्या होगा, वी आरएमएस होगा। तो जेड ऑब्वियसली वी नेट क्या होगा, वी आरएमएस होगा। तो जेड क्या होगा, वी आरएमएस डिवाइडेड बाय आई आरएमएस आंसर। ठीक है यहां तक। तो कैसे करना है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इम्पिडेंस एंड आर एम एस करंट इन द ए सी सर्किट एज शोन। तो आपको इम्पिडेंस निकालनी है और आर एम एस करंट निकालना है। देखो सबसे पहले कंपेयर करते हैं, वी इज इक्वल टू वी नॉट,
साइन ऑफ ओमेगा टी। तो वी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 200, ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 400। ठीक, तो यहाँ से ऑब्वियसली ओमेगा पता है, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितनी 400। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आएगी। तो क्या निकालना है, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। एल पता है, आर पता है और ओमेगा पता है, एक आंसर आ गया। एंड आरएमएस करंट निकालना है, आरएमएस करंट क्या होगा, ई आरएमएस डिवाइडेड बाय जेड। जेड तो हमने निकाल लिया क्योंकि हमें वी नॉट पता है, वी नॉट से क्या आ जाएगा, वी आरएमएस 200 डिवाइडेड बाय रूट टू, पुट कर लेना आंसर। तो ये वी आरएमएस क्या, ई आरएमएस एक ही बात है। ये लो, पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट। देखो, वर्चुअल करंट इन दी एसी इज गिवन। वर्चुअल करंट का मतलब क्या होता है, आरएमएस। तो यहां से आपको क्या गिवन है, आई आरएमएस। तो आई आरएमएस की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 एम्पियर। फाइंड वर्चुअल वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल एल। तो क्या निकालना है, वर्चुअल वोल्टेज निकालना है, यानी कि आरएमएस वैल्यू निकालनी है किसके अक्रॉस, अक्रॉस इंडक्टर। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, इंडक्टर के क्रॉस V कैसे निकलेगा, V इज इक्वल टू करंट आई आर एम एस इंटू एक्स एल। ओम लॉ, आई आर एम एस इंटू एक्स एल, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ पर आई आर एम एस तो पता ही है 1, एक्स एल क्या होता है, L टाइम्स ओमेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, वर्चुअल वोल्टेज, वर्चुअल L, L तो गिवन ही नहीं है, कोई बात नहीं, एक काम कर लेते हैं फिर 2 मिनट कहीं और से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर। ये जो वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है, ई आरएमएस। ये क्या गिवन है, आई आरएमएस। यहां से शुरू कर लेते हैं, तो ई आरएमएस बाय आई आरएमएस को डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, जेड। तो सबसे पहले तो आपके पास जेड आ गया, जेड होगा क्या, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो जेड आपको पता है, आर की वैल्यू नहीं पता, तो फिर से काम करना पड़ेगा आपको इसमें। वी नेट वोल्टेज का फॉर्मूला पता है, अंडर रूट ऑफ वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। नेट वोल्टेज 200 है, वी एल की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वी आर कितना है 120 का स्क्वायर, यहीं से वी एल आ जाएगा, बात ही खत्म हो गई, ज़्यादा बेटर है ना। नेट वोल्टेज का फॉर्मूला में पता होता है क्या होता है, वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या जाएगा, वी एल आ गया। तो वी एल की वैल्यू आ गई, तो आपको फिर उसके बाद क्या निकालना है, इंपेडेंस निकालनी है। इंपेडेंस तो आ गई 200, फिर क्या निकालनी है, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है, एक्स एल इज इक्वल टू एल ओमेगा, पर उसके लिए आपको एल चाहिए। अब एल कैसे आएगा, एल निकालने के लिए काम करना पड़ेगा, यहां से क्या आएगा, वी एल। वी एल क्या होगा, आई आर एम एस इंटू एक्स एल। तो वी एल हम निकाल चुके हैं ऊपर से, आई आर एम एस क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां से किसकी वैल्यू आएगी, L की। फिर L की वैल्यू आएगी, तो L की वैल्यू को यहां पुट करके जो आंसर निकालना है, एक्सेल निकालना। ठीक, तो देखो ना, वी एल वैसे निकाल रखा है, Z निकाल रखा है, ओम लॉ से निकाला हुआ, ऐसे ही है। 12th क्वेश्चन सॉल्व करें, 12th।
क्वेश्चन है, लॉन्ग सोलेनोइड कनेक्टेड टू डीसी, तो सबसे पहला केस क्या है, डीसी, स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, तो 12 बाई 2 करके सबसे पहले क्या आएगी, आर की वैल्यू, आर कितना आएगा, 6 ओम्स आएगा। व्हेन सोलेनोइड इज कनेक्टेड टू एसी, एसी में क्या गिवन है, ई आरएमएस गिवन है 12 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है इसमें 50 हर्ट्ज, करंट आई आरएमएस की वैल्यू कितनी है इसमें 1 एम्पियर, कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ दिस सोलेनोइड, इंडक्टेंस क्या होता है एल, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, यहां से सॉल्व करके ई आरएमएस बाय आई आरएमएस क्या देगा आपको, जेड, तो 12 बाय 1 यानी कि क्या आएगा, 12 ओम आएगा, तो जेड की वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जेड निकाल दिया, आर निकाल लिया, ओमेगा आप निकाल लेंगे यहां से, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है यहां तक, मेथड समझ में आ रहा है सबको, तो एल आर सर्किट सबको क्लियर है यहां तक, लास्ट टाइम ऐसे न्यूमेरिकल किए थे, फिर से सेम प्रैक्टिस है।